कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको छुड़ाया जाए। धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को चार दीवारी में बंद कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुलकर कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू दिया था फ्रीडम एंड मिडनाइट के संपादकों को, उसने खुलकर कहा कि मेरी ये जबरदस्त इच्छा थी कि अपने का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए, पीओजेके को भी कैसे आजाद करवा लिया जाए। पहले बातें होती थी पीओजेके को पाकिस्तान को कैसे दे दिया जाए। मैंने ये महापुरुष और पंडाल में उपस्थित जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हुए मेरे मित्रों, आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम उसी अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए थे आज से 75 साल पहले, तो हमें लगता था कि अमृत की जो बूंदें हिंदुस्तान के कोने कोने में गई है और हिंदुस्तान के लोगों में एक नई चेतना उन बूंदों से जागृत हुई है, वो अमृत की बूंदें जम्मू कश्मीर के हिस्से में भी आएंगी और जहाँ एक प्रकार से नई जागृति संचारित होगी और लोगों में नया उत्साह आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जब पूरे हिंदुस्तान में अमृत की वर्षा हो रही थी तो जम्मू कश्मीर को लेकर तीन लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जब अमृत की वर्षा ना हो। एक आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को चार दीवारी में बंद कर दिया ताकि इस चार दीवारी के अंदर अमृत की कोई बूंद ना प्रवेश कर पाए। मित्रों, 15वीं शताब्दी के शुरू में गुरु नानक देव जी ने एक बार कही थी, कलिका के राजे कसाई धर्म पंथ कर उड़ रहा। कलियुग में राजे कसाई हो गए, धर्म पंथ लगा कर उड़ गया है। हमने सोचा था जब यहां से मुगल खत्म हो जाएंगे, अफगान खत्म हो जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, तो जो राजे कसाई बन गए हैं वो चले गए और हमारे जो राजे आए हैं वो धर्म का पालन करेंगे और सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर में जो राजे हुए उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रजा को एक समान नहीं समझा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी नागरिकों के बराबर नहीं समझा, उन्होंने धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर का हनन करने की कोशिश की। और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों से जो पाकिस्तान के कब्जे में रह गए थे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, महाराजा हरि सिंह ने तो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में विलय कर दिया था, लेकिन ये भारत सरकार का कर्तव्य था कि जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको छुड़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार ने उसको छुड़ाने की बजाय जो वहां से लोग मर कर जम्मू कश्मीर में आए उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, उनको जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों के बराबर नहीं समझा। जो अधिकार जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को दिए वो अधिकार उन्होंने जम्मू कश्मीर के पीओजेके, जिसको हम कहते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान है, उससे जो उजड़कर लोग जहां इनको नहीं कहा उनको वो अधिकार नहीं दिए। और भारत सरकार ने क्या कहा, आपकी जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या कहा, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है। हमने कहा ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है जो सियालकोट से आए हैं वो तो रिफ्यूजी हैं। नहीं, कहते वो रिफ्यूजी तो हैं लेकिन वो पंजाब से आए हैं। जो पंजाब से आए हैं वो रिफ्यूजी हैं, जो मीरपुर से आए हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है। आप अंग्रेजी के शब्दों में पुलिस दे रहो लेकिन इनको बसाने के लिए आपने क्या किया। भारत सरकार अंग्रेजी के नए नए शब्द ढूंढती रही लेकिन इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। प्रिय मित्रों, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपके महाराजा हरि सिंह जिस वक्त हिंदुस्तान की सार्वभौमता के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, उस वक्त वो पंडित नेहरू से भी लड़ रहे थे। पंडित नेहरू ने शब्द गा रहे थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में तब शामिल किया जाएगा यदि शेख अब्दुल्ला को पावर दे दी जाएगी।
हुआ तो शेख अब्दुल्ला। ये शेख अब्दुल्ला कौन थे? पंडित नेहरू को पावर देने की बात क्यों करते थे? पंडित नेहरू बिना इलेक्शन करवाए शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते थे? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यदि खलनायकों की गणना की जाएगी तो उनमें शेख अब्दुल्ला नंबर एक पर आएंगे, नेहरू नंबर दो पर आएंगे, माउंटबेटन नंबर तीन पर आएंगे और आपके जम्मू कश्मीर के क्यूमुलेटिव नंबर चार पर आएंगे और जिन्ना नंबर पांच पर आएंगे। इन पांच खलनायकों के षड्यंत्रों के बाद जम्मू कश्मीर की यह हालत हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुलकर कहा, लॉर्ड माउंटबेटन एक इंटरव्यू दिया था फ्रीडम एंड मिडनाइट के संपादकों को, उसने खुलकर कहा कि मेरी ये जबरदस्त इच्छा थी कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए। उन्होंने पूछा क्यों आपकी इच्छा थी, क्यों पाकिस्तान में जाए? उसने कहा हम एक वायबल स्ट्रॉन्ग नेशन खड़ा करने चाहते थे जिससे हिंदुस्तान की घेराबंदी हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान पर हमें विश्वास नहीं था और पाकिस्तान हमारे विश्वास का देश था। मैं चाहता था पाकिस्तान पावरफुल बने और पाकिस्तान पावरफुल तभी बन सकता था यदि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन माउंटबेटन का दुर्भाग्य था, अंग्रेजों का दुर्भाग्य था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए या हिंदुस्तान में जाए इसका निर्णय करने का अधिकार महाराजा हरि सिंह के पास था और महाराजा हरि सिंह डरे हुए थे कि और जो बाकी हो रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। प्रिय मित्रों, ये जम्मू कश्मीर का गौरव है कि आपके जहां के एक महापुरुष गुलाब सिंह और पंजाब के एक महापुरुष महाराजा रणजीत सिंह दोनों ने मिलकर 19वीं शताब्दी के शुरू में पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे राजा थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने का सपना देखा था और इन दोनों ने मिलकर गुलाब सिंह ने और महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक कर दिया था और ये हिंदुस्तान की एकता का सबसे बड़ा एक प्रकार से प्रयास था, बड़ा अभियान था जिसमें उनको कामयाबी मिली। उसी गुलाब सिंह के वंश में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से रोका। लेकिन दोस्तों, जब लॉर्ड माउंटबेटन को पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा रहा, और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, डेड ब्लडी बास्टर्ड हरि सिंह। मैं अपने मित्रों को कहता रहता हूं जब अंग्रेज किसी को गाली निकालता है तो आप समझ जाइए कि जिसको गाली निकाली जा रही है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। और गुलाब सिंह के बारे में क्या कहा, गुलाब सिंह के बारे में लॉरेंस ने लिखा दैट रास्कल ऑफ एशिया। हरि सिंह के बारे में तो इंडिया का कहा दैट रास्कल ऑफ एशिया कि महाराजा गुलाब सिंह इतने प्रभावी थे कि हम उनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। ये जम्मू कश्मीर को क्रेडिट जाता है कि आपके गुलाब सिंह ने, आपके महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेजों की उस साजिश को नाकामयाब किया। लेकिन दोस्तों, जिसको महाराजा हरि सिंह का साथ देना चाहिए था वो एक दूसरा कश्मीरी था। शेख अब्दुल्ला पहला कश्मीरी था जो पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में साथ जाना चाहता था, नहीं जाना चाहता, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को आजाद रखना चाहता था और उसका साथ किसने दिया? उसका साथ एक दूसरे कश्मीरी ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ये सबसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय है। और जब अंग्रेजों ने देखा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा रहा, उनके पास एक ही चारा बचा कि जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसको कबायली हमला कहा जाता है, जिसको हम कबायली आक्रमण कहते हैं। वो नाम का कबायली आक्रमण था, वो पाकिस्तान की सेना का हिंदुस्तान पर हमला था। और आप हैरान होंगे, मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है, पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही है, वो बारामूला तक पहुंच गई है, श्रीनगर तक जाने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की सेना बारामूला में खड़ी है और लूटपाट कर रही है। और महाराजा हरि सिंह का एलची एक्सेशन का लेटर लेकर दिल्ली में घूम रहा कि हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तब शामिल करेंगे जब शेख अब्दुल्ला को पावर दे दी जाए। किसी ने कहा नेहरू को कि पाकिस्तान की सेना श्रीनगर पर कब्जा करने की मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, उसने कहा हम बाद में आजाद करवा लेंगे, लेकिन जब तक शेख अब्दुल्ला को पावर नहीं दी जाती तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे। प्रिय मित्रों, ये हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। और पाकिस्तान ने हमला किया,
जिस वक्त हमला किया उस वक्त अंग्रेज सेनापति पाकिस्तान का सेनापति था, एक अंग्रेज हिंदुस्तान का सेनापति था और एक अंग्रेज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना का साझा सेनापति, तीनों मिलकर साजिश करते थे। शेख हुजूरुल्लाह को लगा कि यदि भारत की सेना ने सारा जम्मू कश्मीर आजाद करवा लिया तो मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। उसका कारण था जम्मू के बीरपुर के कोटली के बिम्बर के बाकी इलाकों के लोग शेख हुजूरुल्लाह के साथ नहीं थे, गिलगित के लोग शेख हुजूरुल्लाह के साथ नहीं थे, बाल्टिस्तान के लोग शेख हुजूरुल्लाह के साथ नहीं थे। इसलिए दोनों अंग्रेज सेनापतियों ने मिलकर निर्णय किया कि ये इलाका जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में रहना चाहिए। और प्रिय मित्रों, आप सरदार पटेल का कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़िए, सरदार पटेल ने एक जगह लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल्ला नेहरू ने मिलकर ये निर्णय किया माउंटबेटन के साथ मिलकर कि ये इलाका पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए, शेख अब्दुल्ला सुरक्षित हो जाएंगे। आज जिसको पीओजे के कहा जाता है वो इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। आपके क्यों मित्रों को लगता था कि शेख अब्दुल्ला आजाद आजाद जम्मू कश्मीर बना देंगे तो रशिया इस पर कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान के एक हिस्से पर क्यों निस्टों का राज आ जाएगा। मित्रों, आज जब हम सब वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो किसी न किसी कारण से डिस्प्लेस्ड है, रेफ्यूजी है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के जो खलनायक हैं उनकी तलाश की जानी चाहिए और केवल तलाश ही नहीं की जानी चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और कांग्रेस ने एक प्रकार से निर्णय कर लिया था कि जो पीओजे के है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़कर यू के साथ बातचीत करने के लिए भेजा था। ये तो पंडित नेहरू की डेथ हो गई, वो प्रपोजल यही थी कि पाकिस्तान जी मान जाए, जो तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास, जो हमारे पास वो हमारे पास। लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। 2014 के बाद स्थिति बदली है। अब हवा में लहरें तैरती हैं कि पीओजेके को भी कैसे आजाद करवा लिया जाए। पहले बातें होती थी पीओजेके को पाकिस्तान को कैसे दे दिया जाए। मित्रों, कभी की लहरों में नई उछाले आई हैं, जिहर की लहरों में नई उछाले आई हैं, नया हवा है, नया वातावरण है, नई चीजें हैं। कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी अखंड भारत की रचना करते हैं। भारत सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की उसी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेगी और पीएजे को फिर हिंदुस्तान में मिलाने की कोशिश करेगी।